बात 2018 की है। मैं एक छोटा मोटा एक्टर हुआ करता था, मतलब आलम यह था कि 2017 से लेकर 2020 तक तो मेरे पास कोई काम भी नहीं था रंग का। तो ऐसे में इस समय का उपयोग मैं क्या करता था कि उस समय ट्विटर एक नया नया ट्रेंड शुरू हुआ था, तो कोई भी चीज चल रही है दुनिया में, देश में, खास करके देश में, उसके ऊपर मैं ट्वीट कर दिया करता था। और ट्वीट भी कैसे किया करता था, वही लिबरल टाइप की मानसिकता वाले। उससे होता यह था कि जो थोड़े बहुत फिल्म मेकर्स नहीं है, जो एक उस मेंटेलिटी के रहते हैं, एंटी जिनको हम कहते हैं, वो लोग मेरे से खुश रहते थे। लेकिन अब आज की तारीख है और मेरी एक आध दो मूवीज बढ़िया काम कर गई हैं, मेरे बारे में बातें हो रही हैं, हो सकता है आने वाले समय में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी मुझको मिल जाए, तो मुझको पीछे का कचरा तो साफ करना पड़ेगा ना, बस क्या कर सकते हैं। दरअसल ये जो बातें मैं आपको कह रहा हूं, ये सिचुएशन है विक्रांत मैसी की, जिन्होंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया है अपने एक 2018 के वायरल हुए ट्वीट के ऊपर। इस एक्सप्लेनेशन में उनका कहना है कि उस समय पर उन्होंने एक जेस्ट में ये सब बातें लिख दी थी, उन बातों के साथ में उनको वो कार्टून नहीं लगाना चाहिए था, वो कार्टून जो कि एक न्यूज़पेपर में छपा था, और इसी के साथ उन्होंने माफी मांगी। अब इनका जो ये पूरा माफी मनामा है, दरअसल ये दिल से बोला हुआ कम और पीआर टीम के मुंह से बोला हुआ ज्यादा लग रहा है। अब आप अब तक सोचे पड़ चुके होंगे कि भाई मैं जो इतनी बड़बड़ कर रहा हूं, आखिर इस पूरी बड़बड़ का मुद्दा क्या है। हुआ कुछ यूं है कि अब से कुछ समय पहले 12th फेल करके मूवी रिलीज हुई थी, हर तरफ उसकी तारीफें हुई थी, मैंने खुद ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने साफ कहा था कि भाई विक्रांत मैसी ने जो एक्टिंग करी है वो वाकई में काबिल तारीफ है। हर तरफ विक्रांत मैसी के बारे में बातें चल रही थी, हर कोई विक्रांत मैसी की तारीफ कर रहा था। फिर ऐसे में विक्रांत मैसी का एक इंटरव्यू सामने आता है संदीश के साथ में। संदीश एक नंबर इंटरव्यू लेता है बंदा, मतलब उसके इंटरव्यू आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। इस इंटरव्यू के बाद में विक्रांत मैसी का एक ये तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अब इस तस्वीर में जो शख्स है मैं जानता हूं वो विक्रांत मैसी नहीं है, लेकिन विक्रांत मैसी ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं संदीश के साथ वाले इंटरव्यू में, उसके बाद महाशय की हालत कुछ ऐसी। विक्रांत मैसी का कहना है कि उसका भाई, जिसने कि 16-17 साल की एज में इस्लाम कबूल कर लिया था, कि जो माँ है वो सिखनी है, पिताजी जो है प्रैक्टिस करने वाले क्रिश्चियन है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर यही एक तस्वीर बनती है जहन में। इसके साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि विक्रांत मैसी का अब जो बच्चा हो रहा है उसका उनको हिंदू नाम रख देना चाहिए और उसको हिंदू संस्कार देना चाहिए, जिससे कि पूरा सर्कल उसका कंप्लीट हो जाए। लेकिन मुद्दा विवाद का ये नहीं है, विवाद का मुद्दा जो है वो ट्वीट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जिसने पूरी इस बात को शुरू कर दिया। ये ट्वीट है 2018 का, इस पर विक्रांत मैसी ने लिखा है कि हाफ बैग पोटेटोज एंड हाफ बैग नेशनलिस्ट विल ओनली कॉज अ गट इन पेन, पेट इन द गट। हाँ वही सब मुद्दा ये है कि इन्होंने कहा कि आधा पका हुआ आलू और आधा पका हुआ एक नेशनलिस्ट जो है, मतलब जिसको ज्ञान अधूरा हो, वो आपके पेट में हमेशा दर्द ही देगा। अब ये बात यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके साथ इन्होंने हैशटैग लगाए थे कठुआ केस, उन्नाव केस, अब ये आप जाके सर्च कर लीजिएगा, काफी प्रचलित और काफी ज्यादा बुरे केसेस हुए थे। इसके साथ में महाशय ने एक कार्टून की कटिंग लगाई है जिसपे कि भगवान राम और माता सीता बैठे हुए हैं, और माता सीता यहाँ पर प्रभु श्री राम को कहती है कि आई एम सो ग्लैड आई वॉज किडनैप बाय रावण एंड नॉट बाय योर भक्स, और यहाँ पेपर के ऊपर क्या लिखा है आप खुद देख लीजिएगा। अब यहाँ पर माता सीता का ये कहना है कि भैया रावण ने मेरा किडनैप किया, ये बात ज्यादा अच्छी है बशर्ते इसके कि तुम्हारा कोई भक्त कर लेता। अब मुद्दा ये है कि यहाँ पर ये जो इमेज है, ये इमेज सीधे तौर पर एक रिलीजन से जाकर कनेक्ट करता है, और वो है हिंदुइज्म। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरह के केसेस जो होते हैं वो हिंदुइज्म में ही होते हैं, बल्कि इस तरह के लोग आपको हर एक रिलीजन में मिल जाएंगे, और ये चीज वाकई में बिना किसी धर्म को देखे हुए होती है कि आपको हर एक धर्म में इस प्रकार के विकृत मानसिकता के लोग आपको मिल जाएंगे। बट जो हमारे देश में एक लिबरल्स का ग्रुप है जो अपने आप को सिर्फ बुद्धिजीवी ही नहीं बल्कि सबसे महान भी मानता है, इन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म ही बुरा होता है और इसके आगे ये लोग कुछ भी नहीं देखते हैं। मतलब इनको कोई मतलब नहीं होता दूसरे धर्मों से, इनको पता होता है कि हमें सिर्फ हिंदुइज्म को ही टारगेट करना है। तो यहाँ पर ये जो केस है इसमें भगवान श्री राम और माता सीता को जिस तरीके से दिखाया गया है उससे तो एटलीस्ट एक यही बात निकल कर सामने आती है। इसके अलावा जब से ये पूरा ट्वीट वायरल हुआ है और उसी समय पर कोहली ने अपने बच्चे की भी घोषणा करी थी कि भैया हमें बालक हुआ है, तो विक्रांत मैसी का जो पूरा मामला है उस समय कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो गया था कोहली से, बट धीरे धीरे करके ये मामला फिर से हवा में आ गया। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर आपको बथेरी जगहों पर विक्रांत मैसी के कुछ वीडियो सर्कुलेट होते हुए दिखेंगे जिसमें कि वो बोलते हुए दिखते हैं कि भाई मेरे दोस्त तो मेरे घर को गरीब देखकर मेरे आने से मना कर देते थे या मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, मतलब उनकी सिंपथी को बटोरने वाले जो वीडियोस हैं, बड़ी ऐसा टैणे नैणे बहुत ही सैड सा म्यूजिक लगाकर उन वीडियोस को काफी वायरल किया जा रहा है। और उन वीडियोस को अगर आप अब देखेंगे तो आपको भी ये चीज भलीभांति समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से उन वीडियोस को एक प्लान तरीके से निकाला जा रहा है।
और विक्रांत मैसी ने जो शुरुआत में बात कही कि नहीं मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है, मैं किसी धर्म को लेकर ऐसा नहीं सोचता हूं, तो ये बात भी आपकी दूर हो जाएगी ये जानने के बाद में कि विक्रांत मैसी ने और सारे केसेस पर क्या कुछ कहा है। जैसे कि अब देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करना पाप है, लेकिन ये जो ट्वीट है 2019 का, इसमें उन्होंने लिखा है कि दिस टाइम वोट फॉर एन एजुकेटेड लीडर आई विल। तो ये जो एक पूरा ट्वीट है, ये आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच को दिखाने के लिए काफी, अगर ये भी काफी नहीं है तो 2020 में किया गया आप ये ट्वीट देखिए। यहां पर इन्होंने एक दिल बनाकर लिखा है, स्वेल्स विद प्राइड जेनी वॉयलेंस, इसमें दीपिका पादुकोण की तस्वीर लगाई है। दीपिका की इस तस्वीर के सामने आने के बाद दीपिका का करियर किस तरह से हिचको लिखाया था, ये हम सभी जानते हैं। जाहिर सी बात है, आपको मुझे नहीं लगता इस बात को समझाने में मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ विक्रांत मैसी का ये एक और ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें इन्होंने लिखा था कि नॉट जस्ट दिस टेम्पल बट दी आरएसएस हेडक्वार्टर इन नागपुर ऑल्सो हैव अ ह्यूज मैप ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, दे कॉल इट अखंड भारत एंड दिस इज एन एज ओल्ड आइडियोलॉजी दैट शैल बी पुट टू द टेस्ट इन द कमिंग इलेक्शंस ऑफ 2019। अब यहां पर आपको हिंदुओं के लिए इनकी आइडियोलॉजी का है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब ऐसे में मुद्दा सिर्फ ये है कि ये लोग असल में जो भारत के लोगों की सोच है उसको हमेशा चैलेंज क्यों करते थे, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो अखंड भारत हो। देखिए, अखंड भारत को लेकर बहुत बातें होती है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, काफी बातें होती है अखंड भारत को लेकर, लेकिन अखंड भारत क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है? इसको लेकर एक बहुत बड़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन सकती है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि ये एक रियलिटी है जो कि हमारा पास रह चुकी है। बट ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, बार बार उन चीजों को कहकर नीचा दिखाते हैं, ये अपनी एक मानसिकता को खुले तौर पर आपके सामने रख रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाकर, इन फैक्ट्स को आपके सामने रखकर बस बताने का मतलब इतना ही था कि आप आइंदा से जब भी इन एक्टर्स के बारे में बात करें तब आपको इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। एक एग्जांपल और चलते चलते दे देता हूं। एक जब ग्यामी गौतम की शादी हुई थी तब एक तस्वीर उनकी काफी वायरल हुई थी जिसमें वो लाल साड़ी में दिखाई दे रही थी। इसके ऊपर विक्रांत मैसी ने ट्वीट किया था कि प्योर एंड पायस जस्ट लाइक राधे माँ, है ना। अब राधे माँ भाई क्या है, मतलब आप सभी जानते ही हैं, उस बारे में मैं क्या ही बताऊं। लेकिन यहां से भी एक सोच हमको दिखाई देती है, एक थॉट प्रोसेस हमको दिखाई देती है। और इसके ऊपर कंगना ने तभी ट्वीट किया था कि कहां से निकला ये कॉकरोच, लाओ मेरी चप्पल। मतलब आज की तारीख में जब मैं कंगना का वो ट्वीट या वो मैसेज देखता हूं तब मुझे रियलिटी में लगता है कि हाँ, कंगना ने शायद तब भी सही चीज कही थी जिसको शायद कुछ लोगों ने गलत तरीके से ले लिया था। अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा मुझे कुछ और समझाने की आप लोगों को आवश्यकता है, बट उसके बाद भी आपको एक बात मैं आपको बताता हूं कि देखिए, एक्टर्स का काम होता है एक्टिंग करना, ठीक वैसे ही जैसे एक सिविल सर्वेंट का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। हर व्यक्ति का अपना एक काम है, अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला व्यक्ति एक्टिंग करने जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो फेल हो जाएगा। ठीक ऐसे ही एक एक्टर जब एक्टिंग छोड़कर दूसरे किसी इस तरह के काम में जाता है, खास करके पॉलिटिकल्स वाले जहां पर व्यू पॉइंट्स देने होते हैं, वहां पर वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर इस बात को आपको नहीं समझ में आता है तो आपको इस तरीके समझना चाहिए कि गोविंदा, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, इन लोगों का क्या हुआ? जो बचे हैं वो आपको बोलते हुए दिखाई नहीं देंगे, और ये लोग जो कुछ कर सकते थे वाकई में वापस बाहर आ गए। इसीलिए हमको इन चीजों को बहुत ध्यान से समझने की और बहुत बारीक से समझने की जरूरत है। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।